तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि गाइस सभी लोग ठीक ही होंगे। सो गाइस, आप सभी लोगों की डिमांड पे मैं लेके आ चुका हूँ हॉरर हॉस्पिटल गेम की फुल स्टोरी, फुल वीडियो। यार काफ़ी ज़्यादा मेरे पास डिमांड आ रही थी, काफ़ी लोगों की मेरे पास कमेंट आ रही थी कि भाई आप जो है हॉरर हॉस्पिटल के ऊपर एक फुल स्टोरी लेकर आओ, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। सो फाइनली गाइस, हॉरर हॉस्पिटल के ऊपर एक स्टोरी आ चुकी है। तो यार आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, आज हम स्टोरी में यही जानने वाले हैं कि यार जो हमारा हॉरर हॉस्पिटल है, यानी जो हमारा हॉस्पिटल है गेम में, वो आज इतना अकेला और सुनसान कैसे है। मतलब यार भाई, वहाँ के जो डॉक्टर हैं और जो वहाँ के पेशेंट हैं वो कहाँ चले गए, और आज वहाँ पर भूतों का साया क्यों है, आज उस हॉस्पिटल में भूत क्यों रहते हैं, और क्या हुआ ऐसा पास्ट में उस हॉस्पिटल के साथ जो आज वहाँ पर ये सब हो रहा है। तो भाई स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यार मैं एंड में आप में से कुछ लोगों के कमेंट को जो है शॉर्ट आउट भी देने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। तो भाई यार चलो स्टोरी को कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। सो भाई स्टोरी स्टार्ट होती है बहुत ही ज़्यादा पुराने समय पहले से। तो भाई एक शहर के बाहर यानी सुनसान जगह पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो काफ़ी बड़ा वो हॉस्पिटल था। तो भाई वहाँ पर जो है और हॉस्पिटल की तरह जो है वहाँ पर पेशेंट इलाज कराने के लिए आते थे, और वहाँ पर जो है काफ़ी सारे डॉक्टर भी थे। लेकिन भाई ये जो हॉस्पिटल था ये और हॉस्पिटल से बहुत ही ज़्यादा अलग था। भाई अलग क्यों था, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जो है भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब और गलत चीज़ें होती थी, यानी जो वहाँ के डॉक्टर थे वहाँ के पेशेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करते थे। तो भाई वहाँ के डॉक्टर क्या करते थे, जो पेशेंट होता था उसके घर वाले से बोलते थे, यानी जो उसके घर वाले होते थे पेशेंट के, तो वो उनसे बोला करते थे कि आपके मरीज की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और हमको जो है इसको इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ेगा। तो भाई वहाँ पर क्या करते थे, उसको डॉक्टर उस पेशेंट को इमरजेंसी रूम में ले जाते थे, और वहाँ पर जाके उस पेशेंट के बॉडी पार्ट निकाल लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हार्ट और किडनी, भाई ये इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट जो है उस पेशेंट के वो निकाल लिया करते थे वो डॉक्टर, और बाद में जो है उनको बेच दिया करते थे। और फिर बाद में जो है मतलब डॉक्टर्स फेक रिपोर्ट बना के उस पेशेंट के घर वालों को दे दिया करते थे कि मतलब इस बीमारी के चलते जो है आपके पेशेंट की मौत हो गई, हमने बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश की आपके पेशेंट को लेकिन वो नहीं बच सका। तो भाई ऐसा बोलकर जो है मतलब वो उसके घर वालों के, जो पेशेंट के घर वाले होते थे उनके हाथ में वो डॉक्टर्स फेक रिपोर्ट बना के दे दिया करते थे। तो भाई जो पेशेंट के घर वाले होते थे वो फेक रिपोर्ट पढ़ के जो उन डॉक्टर ने दी होती है उन पेशेंट के घर वालों को, तो भाई उसके घर वाले सोचा करते थे कि हाँ भाई इस बीमारी के चलते जो है हमारे पेशेंट की मौत हो गई। लेकिन भाई रियल में कुछ और ही था, भाई रियल में जो है डॉक्टर खुद उस पेशेंट का जो है मर्डर करते थे, और उसके अंदरूनी पार्ट यानी जो उसके बॉडी के पार्ट होते हैं वो निकाल कर बेच दिया करते थे। तो भाई ये चीज़ जो है उन डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा गलत थी, मतलब यार एक तरीके की नाइंसाफी थी उन पेशेंट के साथ। तो भाई ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा गलत हो रही थी उस हॉस्पिटल में। तो भाई बाद में क्या होता था, यानी जो उन पेशेंट की सोल होती थी यानी जो आत्मा होती थी, तो भाई वो निकल के जो है मतलब यार अपने घर वालों से बताने की कोशिश करती थी कि मतलब ये जो है इन डॉक्टर्स ने जो है मेरा मर्डर किया है, मेरा किसी बीमारी के चलते जो है मौत नहीं हुई है, बल्कि इन डॉक्टर्स ने जो है मेरा मर्डर करके और मेरे पार्ट्स निकाल के बेच दिए हैं। लेकिन भाई ये बात जो है वो आत्मा अपने घर वालों को नहीं बता सकती थी, मतलब कोशिश काफ़ी ज़्यादा करती थी लेकिन वो असफल हो जाती थी इस चीज़ में। तो भाई ऐसा जो है काफ़ी दिनों तक चलता है, मतलब वो डॉक्टर्स जो है सारे पेशेंट के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट के साथ वो जो है ऐसा ही करते हैं, मतलब उनका मर्डर करके और उनके बॉडी पार्ट्स निकाल के बेच दिया करते हैं। और बाद में जो है भाई ऐसा जो है मतलब उस पेशेंट की जो आत्मा होती थी, उन पेशेंट की जो आत्माएँ होती थी वो जो है उस हॉस्पिटल में इकट्ठा हो रही थी, मतलब वो जो है वहीं पर रह जाती थी उस हॉस्पिटल में। लेकिन भाई वो काफ़ी ज़्यादा अपने घर वालों से बोलने की कोशिश भी करती थी लेकिन भाई वो नहीं बता सकती थी अपने घर वालों को। तो भाई इसी के बीच क्या होता है, भाई इसी के बीच जो है उस हॉस्पिटल में एक नई डॉक्टर आती है, नई लेडीज़ डॉक्टर जो कि अभी नई नई होती है, उसकी नई जॉब लगी भी होती है। तो भाई उस डॉक्टर का नाम होता है फ्लोरा। हाँ तो भाई जब फ्लोरा को इस चीज़ का पता चलता है कि मतलब भाई हॉस्पिटल में ऐसी गलत गलत चीज़ें हो रही हैं, मतलब डॉक्टर जो है उन पेशेंट के साथ ये सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं, तो भाई वो जो है इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ़ होती है। फ्लोरा जो डॉक्टर होती है जो कि अभी न्यू आई है उस हॉस्पिटल में, तो भाई इस चीज़ के जो है वो काफ़ी ज़्यादा खिलाफ़ होती है, और वो डॉक्टरों से जो है काफ़ी ज़्यादा मना करती है इस चीज़ को करने के लिए। लेकिन भाई जो डॉक्टर्स होते हैं वो नहीं मानते हैं, लेकिन भाई जो फ्लोरा होती है वो पुलिस तक पहुंचाना चाहती है ये वाली बात, यानी जो डॉक्टर्स कर रहे थे उन पेशेंट के साथ, तो ये वाली बात जो है वो पुलिस तक पहुंचाना चाहती है। लेकिन भाई जो फ्लोरा की अभी न्यू जॉब लगी भी होती है, तो भाई वो जो है अपनी जॉब को सोच के जो है अपने जॉब के बारे में सोच के जो है ये वाली बात किसी को नहीं बताती है, और वो वहीं पर शांत हो जाती है। लेकिन भाई वो अंदर ही अंदर हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डॉक्टरों को समझाती है कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा गलत है, लेकिन भाई वो डॉक्टर जो है नहीं मानते हैं, क्योंकि यार उन डॉक्टर्स को जो है इस चीज़ से जो है काफ़ी ज़्यादा इनकम आती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है। और क्योंकि यार जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, तो भाई जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं जो भी उनके पास वो इनकम आती है पार्ट्स बेच के, तो भाई वो जो है अपने पास ही वो बांट लेते हैं, अपने आपस में ही जो है वो इनकम को बांट लेते हैं। तो भाई इस चीज़ से जो है उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा था। हाँ तो भाई ये सारी चीज़ें जो है वहाँ की
आत्माएं भी देख रही थी, जो सोल्स थी उस हॉस्पिटल में, तो भाई ये सारी चीज़ें जो है वो देख रही थी, और उन्होंने जो है उस लड़की को भी देखा जो फ्लोरा थी, तो भाई वहाँ की जो सोल्स थी वो देख रही थी कि यार जो फ्लोरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब यार वो इस चीज़ को गलत मानती है और वो जो है इस चीज़ को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। तो भाई ऐसा जो है काफ़ी टाइम तक चलता है, यानी जो डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादातर पेशेंट के साथ ऐसा ही करते हैं। तो भाई इस तरह जो है वहाँ पर काफ़ी सारी सोल्स यानी आत्माएं इकट्ठा हो जाती हैं उस हॉस्पिटल में पेशेंट की। तो भाई जब ऐसा चलता ही रहता है तो भाई जो वहाँ की सोल्स होती हैं यानी जो वहाँ की आत्माएं होती हैं, अब उनको गुस्सा आ जाता है काफ़ी ज़्यादा, और भाई ये चीज़ होते हुए अब वो वहाँ नहीं देख सकती हैं जो वहाँ की आत्माएँ होती हैं उन पेशेंट की, अब वो ये चीज़ होते हुए नहीं देख सकती हैं और वह अब इस चीज़ को रोकना चाहती हैं और उन डॉक्टर से जो है बदला लेना चाहती हैं, यानी उनको मारना चाहती हैं ऐसे ही। लेकिन भाई जो सोल्स होती हैं यानी जो आत्माएं होती हैं वो सोचती हैं कि यार इस तरह जो है हम डॉक्टर्स को नहीं मार सकते अभी, क्योंकि यार उस हॉस्पिटल में जो है काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं अभी भी। तो भाई वो सोचती हैं कि पहले हमें जो है हॉस्पिटल को खाली कराना पड़ेगा उन पेशेंट से। तो भाई सोल्स क्या करती हैं, जब आत्माएँ होती हैं तो जितने भी पेशेंट होते हैं वो उनके घर वालों को जो है अब दिखाई देने लगती हैं उस हॉस्पिटल में। तो भाई वो जो है अपना भयानक रूप लेके जो है मतलब पेशेंट के घर वालों को, जितने पेशेंट के घर वाले होते हैं उनको दिखाई देने लगती हैं। तो भाई जब इस चीज़ को जो है पेशेंट के घर वाले देखते हैं, यानी जितने भी पेशेंट के घर वाले इस चीज़ को देखते हैं, मतलब वो भूत को देखते हैं उस हॉस्पिटल में, तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और भाई वो डर के जो है अपने पेशेंट को लेके जो है वहाँ से निकल जाते हैं। तो भाई ऐसा जो है वो आत्माएँ एक दो दिन तक करती हैं, यानी तीन चार दिन तक जो है ऐसा ही करती हैं और वहाँ पर जो है पूरा हॉस्पिटल वो खाली करा देती हैं। तो भाई अब जो है उस हॉस्पिटल में जो है सिर्फ डॉक्टर्स ही बचते हैं। तो भाई अब वो क्या करती हैं, जो आत्माएँ होती हैं वो उन डॉक्टर्स को भी जो है मार देती हैं, अब जो है उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देती हैं और ऐसे ही जो है उनको तड़पा तड़पा के मार देती हैं। लेकिन भाई वहाँ पर जो एक डॉक्टर थी यानी फ्लोरा, तो वो आत्माएँ जो है उसको नहीं मारती हैं, क्योंकि यार वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब यार वो इस चीज़ को जो है काफ़ी ज़्यादा रोकती थी, काफ़ी ज़्यादा खिलाफ़ थी इस चीज़ के जो वहाँ के डॉक्टर करते थे पेशेंट के साथ। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं फ्लोरा की, उन आत्माओं को पता थी। तो भाई जो वहाँ की सोल्स होती हैं यानी जो आत्माएँ होती हैं, वो फ्लोरा को मारती नहीं है बल्कि उसको जो है किडनैप कर लेती हैं, उसको पकड़ लेती हैं। तो भाई वो क्यों पकड़ती हैं, तो भाई वो ये सोचकर जो है उसको किडनैप करती हैं ताकि कभी इन फ्यूचर जो है हॉस्पिटल में कभी पुलिस इंक्वायरी हुई तो वो जो है फ्लोरा को छोड़ देंगे, जिससे जो है फ्लोरा सब कुछ साफ साफ बता देगी उन पुलिस वालों को कि मतलब उस हॉस्पिटल में क्या हुआ करता था, यानी जो वहाँ के डॉक्टर थे वो पेशेंट के साथ क्या किया करते थे। तो भाई ये सारी सच्चाई जो है वो फ्लोरा उन पुलिस वालों को बता देगी, तो जिससे जो है यार उन आत्माओं को जो वहाँ की सोल्स थी उनको भी न्याय मिल जाएगा और पुलिस वालों को भी जो है उस हॉस्पिटल की सारी सच्चाई पता लग जाएगी। तो भाई ये सोच के जो है वहाँ की जो आत्माएं होती हैं यानी जो सोल्स होती हैं वो जो है फ्लोरा को कैद कर लेती हैं, उसे किडनैप कर लेती हैं। सो भाई जो वो आत्माएं होती हैं यार, वो जो है फ्लोरा को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने की सोचती हैं ताकि वो वक्त आने पर जो है उसको वहाँ पर छोड़ सकें उस हॉस्पिटल में। सो भाई जो वो आत्माएं होती हैं वो तो पलक झपकते अपनी दुनिया में जा सकती हैं, मतलब गायब होकर उनके पास ऐसी पावर्स होती हैं, लेकिन यार जो फ्लोरा है वो एक इंसान है और ये इंसान के लिए जो है भाई मतलब फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि वो पलक झपकते जो है कहीं और चली जाए। तो भाई जो आत्माएं होती हैं वो जो है अब क्या करती हैं, फ्लोरा को अपनी दुनिया में ले जाने के लिए वो जो है एक पोर्टल खोलती हैं अपनी दुनिया, यानी एक दरवाज़ा खोलती हैं, यानी पोर्टल अपनी दुनिया में जाने के लिए जो कि उस हॉस्पिटल में ही होता है। तो वो उस हॉस्पिटल से जो है एक दरवाज़ा खोलती हैं, पोर्टल खोलती हैं अपनी दुनिया का, जिससे वो जो है फ्लोरा को अपनी दुनिया में ले जा सकें। तो भाई आपने गेम में भी देखा होगा जो हॉस्पिटल में जो पोर्टल होता है यानी जो दरवाज़ा होता है, तो वो जो है भाई वो फ्लोरा को ले जाने के लिए जो है वो उन आत्माओं ने बनाया हुआ होता है। सो भाई जो आत्माएं होती हैं वो जो है फ्लोरा को उस पोर्टल में एंटर करा देती हैं और एंटर कराने के बाद वो जो है उसके हाथ में एक मैजिकल डायमंड देती हैं, जिससे जो है वो उनकी दुनिया में आसानी से जो है एंटर कर सके, क्योंकि यार एक इंसान का जो है आत्मा की दुनिया में जाना ऐसे पॉसिबल नहीं था। तो वो जो है उनके पास एक मैजिकल जो है एक डायमंड होता है, जिससे जो है वो उसके हाथ में वो डायमंड देते हैं फ्लोरा के, और जिससे वो जो है उनकी दुनिया में एंटर कर जाती है। सो भाई वो जो मैजिकल डायमंड है वो आपने गेम में भी देखा होगा अगर आपने हॉरर हॉस्पिटल गेम खेला है। तो भाई जब आप पोर्टल में एंटर करते हो तो थोड़ी दूर जाने के बाद आपको वो मैजिकल डायमंड मिलता है, तो आपको जो है वो हाथ में लेके जो है आत्माओं की यानी सोल्स की दुनिया में एंटर करना पड़ता है। सो भाई जो वो डायमंड होता है उसके पास ऐसी पावर्स होती हैं कि वो जो है एक इंसान को आत्माओं की दुनिया में एंटर करा सके। तो भाई आप गेम में ऐसा ही करते हो, आप जो है उस डायमंड को अपने हाथ में लेके जो है आत्माओं की दुनिया में एंटर कर जाते हो। और वो जो डायमंड है भाई वो बनाया गया था फ्लोरा के लिए, ताकि वो फ्लोरा को जो है मतलब वो आत्माओं की दुनिया में एंटर करा सकें वो सोल्स। तो भाई वो डायमंड जो है वैसे फ्लोरा के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है आप भी उसको यूज़ करते हो मतलब आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए। हाँ तो भाई हमको गेम में करना क्या पड़ता है, हमको जो है फ्लोरा को बचाने जाना होता है, मतलब हमें आत्माओं की दुनिया में जाना होता है, मतलब पहले उस हॉस्पिटल में से, फिर हॉस्पिटल में से भाई पोर्टल में से होते हुए जो है हमको उसको बचाना होता है फ्लोरा को। और जैसे फ्लोरा को
को बचा लेते हैं तो भाई हमारा गेम जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो भाई यार ये थी हॉरर हॉस्पिटल की फुल स्टोरी। तो यार आपको स्टोरी पसंद आई हो तो भाई यार एक लाइक करो, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है ये वाली स्टोरी बनाने में। तो यार एक लाइक करो, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो मेरे साथ कमेंट में बता सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। तो यार चलो अब हो चुका है सॉर्ट आउट का टाइम, तो यार चलो सॉर्ट आउट दे देते हैं आप लोगों के कमेंट को। तो भाई जो हमारा पहला कमेंट आता है वो लिखते हैं प्रीत रावल। तो प्रीत रावल लिखते हैं प्लीज़ तुम मेरे लिए हेलो नेबर की स्टोरी बना दोगे? ऑफ कोर्स भाई बिल्कुल बनाऊंगा यार, आपके लिए बनाता हूँ मैं, आप लोगों के लिए सारी स्टोरीज बनाता हूँ। तो भाई जो जो चाहता है यार हेलो नेबर की स्टोरी बनवाना तो भाई मेरे को कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट में बताओ मेरे को। सो अगर ज़्यादा कमेंट आती है तो मैं जरूर बनाऊंगा भाई ये वाली स्टोरी भी। सो भाई हमारा जो दूसरा कमेंट है वो लिखते हैं विजय जॉर्ज राजापान जस्टिन, भाई बड़ा लंबा नाम है। तो भाई लिखते हैं ब्रो योर वीडियोज़ आर ऑसम, प्लीज़ प्ले ग्रैनी न्यू अपडेट। सो विजय भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू, और दूसरी बात यार मैं अपने चैनल पर जो है जल्द से जल्द जो है गेम प्ले डालने की कोशिश करूंगा, मैं गेम प्ले वीडियो लेके आने वाला हूं अपने चैनल पर बहुत जल्दी। तो भाई हमारा जो तीसरा कमेंट है वो लिखती है बिस्मा रानी। तो भाई ये लिखती है आई लाइक योर वीडियो वेरी वेरी मच। तो बिस्मा रानी आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू, और ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। सो भाई हमारा जो आज का लास्ट का कमेंट है वो लिखते हैं लकी बड्डी। तो भाई लिखते हैं प्लीज प्लीज सॉर्ट आउट मी, आई लव योर वीडियोज एंड आई ऑलवेज लाइक योर वीडियो व्हेन आई सी योर वीडियो, थैंक यू फ्रॉम लकी बड्डी, आई एम योर बिगेस्ट फैन इन द होल वर्ल्ड, आई लव योर वीडियोज वेरी मच, थैंक यू। तो लकी भाई सबसे पहले तो आपको सॉर्ट आउट टू यू, और आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। सो यार हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक है, और सॉरी यार अगर हम आपको सॉर्ट आउट नहीं दे पाए तो यार आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और हो सकता है कि आने वाली वीडियो में आपको भी सॉर्ट आउट मिल जाए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा सॉर्ट आउट देने की आपको। तो यार अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और जाके कमेंट करो भाई अच्छी अच्छी, क्योंकि आपको भी सॉर्ट आउट मिल सकता है आने वाली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।